नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर मानव। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं जो आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगा देगा। चलिए आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन ग्लो करती है, चाहे उनका कलर कॉम्बिनेशन कोई भी हो, चाहे वो अच्छे गोरे व्यक्ति हों या फिर वो काले हों या सांवले हों, लेकिन चेहरे पर यहाँ फोरहेड पर और यहाँ पर लोगों के एक शाइनिंग करता है, एक फेस पे एक शाइनिंग होती है। कई लोगों के यहाँ पे धब्बे होते हैं या ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, यहाँ पर ब्लेमिशेज आ जाते हैं, पिंपल्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, एक अच्छी बॉडी के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन आवश्यक होता है। जैसे जिम के अंदर जो व्यक्ति जाते हैं वो जिम करने के साथ साथ प्रोटीन लेते हैं, वो दूध के कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट लेते हैं जो उनकी बॉडी को पहले से ज़्यादा अच्छा बना दे, एक सुडौल बना दे, साथ में उसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इंटरनल न्यूट्रिशन के तौर पर तो हम भोजन करते ही हैं, उस भोजन में आपको किन चीज़ों की मात्रा बढ़ानी है पहले उस चीज़ को समझ लें। आप कोई भी फ्रूट्स डेली यूज में लेने में आए, चाहे वो आपका सेब हो सकता है, एप्पल हो सकता है, या पपीता हो सकता है, या कोई भी सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं, चाहे अनार हो या फिर मौसमी हो या संतरा, कोई भी आप फ्रूट्स का इंटेक लेना शुरू करें। दूसरा, आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है। सर्दियों के मौसम में गुनगुना पानी पिए, गर्मियों के मौसम में नॉर्मल सादा पानी पिए, मटके का पानी, ना कि फ्रिज का पानी। फ्रिज का पानी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सेकेंड जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ वो सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल न्यूट्रिशन का। एक्सटर्नल न्यूट्रिशन मतलब हमें हमारे चेहरे पर कुछ फेस पैक हम बनवाते हैं, हम अपने यहाँ से भी उपलब्ध कराते हैं। यदि आपको हमारे यहाँ से फेस पैक चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उसको मंगवा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ सिंपल से फेस पैक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके चेहरे को क्लीन करने का फेस पैक बता रहा हूँ, उससे आप चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। हमारे स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर मिट्टी भर जाती है, पॉल्यूटेटेड एयर होती है, उसकी वजह से कुछ केमिकल्स जो हवा में होते हैं, जैसे गाड़ियों के धुएं के, फैक्ट्री के धुएं के, आज हम इतने पॉल्यूटेड वातावरण में रह रहे हैं कि वो हमारी स्किन को डे टू डे डैमेज करते जाते हैं। धूप की वजह से भी स्किन डेड हो जाती है, तो उसको भी निकालने में ये कारगर करता है। तो आप इसको राइट डाउन करें। सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, दूसरा आपको बेसन लेना है, आप एक एक चम्मच दोनों को लेंगे। साथ में इसमें आपको नीम की पत्तियों का ड्राई पाउडर लेना है और इसमें गुलाब जल डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है। गुलाब जल डाल के जब आप इसको रख देते हैं, उसके 5 से 10 मिनट बाद ये पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आपको मिक्स करके चेहरे पर लगा लेना है, चेहरे पर लगा लेना है, और चेहरे पर लगा करके आप कुछ देर के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ने पर आप इसको फिर आसानी से इसको धोना शुरू करेंगे। इस स्टाइल से इसको धोना है, ऐसे धोना है, ऐसे धोना है, इसको ऐसे क्लीन करना है। तो इस प्रकार से क्लीन करेंगे तो आपकी स्किन के सारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, स्किन नॉर्मल आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का मैं फेस पैक बता रहा हूँ। मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फेस पैक में आपको पपीता लेना है। पपीते के साथ में आपको दूध की मलाई लेनी है। उस पपीते के पल्प को, दूध की मलाई को मिक्स कर सकते हैं, या फिर एक और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हल्दी लेनी है, आपको बेसन लेना है और पपीते का पल्प लेना है। इन तीनों को मिक्स करके भी आप अपने चेहरे के लिए फेस पैक बना सकते हैं। उसको चेहरे पर आसानी से, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, इतना फेस पैक उसको चेहरे पर लगाएं और इतनी देर तक उसको छोड़ें कि थोड़ा सा वो सूखने लगे, और उसको फिर 10 से 15 मिनट बाद आसानी से वॉश कर लें। उसके बाद आप एक कुमकुम आदि लेपन क्रीम आती है, उसको चेहरे पर लगा करके कहीं भी मार्केट में जा सकते हैं। और यदि आपको बहुत जल्दी ग्लो चाहिए तो ये सारी प्रोसेस आप रात के टाइम पर कर सकते हैं। कुमकुम आदि क्रीम या कुमकुम आदि तेल को आप स्किन पर लगा करके रात को सो सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी स्किन पहले से बहुत अच्छी ग्लो करने लगेगी, ये मेरा दावा है आपसे। आप इसको ट्राई कीजिए, फिर वापस आकर के आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।